नमस्कार, मैं प्रमिला। आज हम आपको देश की जानी मानी नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की कहानी सुनाते हैं। जरा सोचिए, 5 साल की उम्र, जब बच्चे खेलने कूदने या फिर शैतानियों में मशगूल रहते हैं, ये वो उम्र थी मृणालिनी साराभाई की, जब उन्होंने ना सिर्फ तय कर लिया बल्कि अपनी माँ के सामने ऐलान भी कर दिया कि मैं एक डांसर हूँ। मृणालिनी साराभाई ने कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से अस्तित्व में आई, मुझ में समझदारी कहाँ से आई, किसने मेरा रास्ता तैयार किया। हर दिन एक नया दिन, किसी भी घंटे का कुछ पता नहीं, यही अज्ञात क्षण निश्चित दिनों में बदल जाते हैं। मैंने बाद में महसूस किया कि मैं क्या थी, और 5 साल की उम्र में मेरी माँ बताती हैं कि मैंने कहा था मैं एक डांसर हूँ। आने वाले समय में नहीं, बीते समय में ही मैं अभी इस वक्त एक डांसर हूँ। दरअसल यही मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के जीवन का सच भी है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी द वॉइस ऑफ हार्ट में शुरुआत में आपको लिखा मिल जाएगा। और यही वो उनकी सोच थी जिसकी बदौलत ना सिर्फ उन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई, बल्कि जिस वक्त दुनिया को अलविदा कहा उस वक्त उनके पास करीब 50-100 नहीं 20,000 ऐसे नाम थे जिन्हें उन्होंने नृत्य की बारीकियाँ सिखाई थी। मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को केरल में हुआ था। पिता डॉक्टर स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट में बैरिस्टर थे, माँ अम्मू स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी थी। वो बाद में देश की पहली संसद की सदस्य भी बनी। बहन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ थी। मृणालिनी का बचपन स्विट्जरलैंड में बीता, वहाँ उन्होंने डेलक्रोस सीखा। ये संगीत की समझ को पैदा करने का जरिया था। वो वहाँ से जब वापस लौटी तो उन्होंने सीधे शांति निकेतन का रुख किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर से वो इतना प्रभावित थे कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं को अपना असली गुरु माना। ये वो वक्त था जब कोई भी कलाकार केवल एक ही फॉर्म नहीं सीखा करते थे, इसीलिए मृणालिनी साराभाई ने भी नृत्य की अलग अलग शैलियों की बारीकियों को सीखा। उन्होंने अमूबी सिंह से मणिपुरी सीखा, कुंजू कुरूप से कथकली सीखा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और मुथु कुमार पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा। उनके हर एक गुरु का अपनी अपनी कला में जबरदस्त योगदान था। इसी दौरान उन्होंने विश्वविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई पंडित उदय शंकर के साथ भी काम किया। पंडित उदय शंकर को भारतीय कला को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। इसी बीच मृणालिनी साराभाई कुछ दिनों के लिए अमेरिका भी गई थी और वहां जाकर ड्रामेटिक आर्ट्स की बारीकियां सीखी। इसके बाद मृणालिनी साराभाई ने देश दुनिया में भारतीय नृत्य परंपरा का विकास किया। 24 बरस की थी मृणालिनी साराभाई जब विक्रम साराभाई को उन्होंने अपना जीवन साथी चुना। इसके पीछे का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। हुआ ये कि बेंगलुरु में उनका रंग प्रवेश था। रंग प्रवेश यानी कोई भी वो विधिवत नृत्य जो किसी भी कलाकार का पहला मंच पे परफॉर्मेंस होता है, और किसी भी कलाकार के लिए उस शहर की भी खासी अहमियत होती है जहाँ उसका रंग प्रवेश हुआ हो। तो मृणालिनी साराभाई के लिए भी बेंगलुरु खास था, और यहीं पर उनकी विक्रम साराभाई से पहली मुलाकात हुई। विक्रम साराभाई देश के जाने माने वैज्ञानिक रहे, उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब विज्ञान में नृत्य, नृत्य में विज्ञान कहाँ से आया ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये वो वक्त था जब दोनों ने तय कर लिया कि उन्हें साथ में जीवन बिताना है। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि शादी के बाद मृणालिनी साराभाई को अहमदाबाद शिफ्ट होना था। दोनों शहरों के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन मृणालिनी अहमदाबाद गईं। नए रंग ढंग में खुद को ढालने में इतना ही वक्त लगा कि 6 साल के भीतर भीतर उन्होंने वहाँ दर्पण नाम की संस्था की शुरुआत की। कहने को कल्चर अलग था, भाषा अलग थी, लेकिन मृणालिनी साराभाई की संस्था में तमाम गुजराती लोगों ने नृत्य सीखा। इस दौरान डांस के साथ साथ वो कोरियोग्राफी भी कराती रहीं, कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं, उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा। मृणालिनी साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई भी थिएटर और डांस से ही जुड़ी। मृणालिनी साराभाई की संस्था दर्पण से जुड़ा किस्सा बहुत कम लोगों को पता होगा। दर्पण में उस वक्त अच्छे खासे लोग नृत्य सीखने आते थे, और नृत्य सीखने के बाद जब मंच पे विधिवत नृत्य होता था छात्रों का, उसे अरंगेत्रम कहा जाता था। अरंगेत्रम में हुआ ये कि जो छात्र आर्थिक रूप से संपन्न होते थे उनके माता पिता इसको एक जलसे की तरह मनाते थे। इससे ये हुआ जो छात्र आर्थिक रूप से कम संपन्न थे उन पे दबाव पड़ने लगा। जब मृणालिनी साराभाई को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अरंगेत्रम का नाम ही बदल दिया, इसका नाम रख दिया आराधना, और उसके बाद जो साड़ियाँ थी वो संस्थान की ओर से ही दी जाने लगी,
बाकायदा कार्ड छपते थे और इस तरह फिजूल खर्ची पे लगाम भी लग गई और छात्रों पे जो दबाव बन रहा था वो भी रुक गया। मृणालिनी साराभाई ने आराधना को समर्पण और आस्था से जोड़ दिया। 1992 में भारत सरकार ने मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया। मृणालिनी साराभाई खुद को तकनीक से दूर रखती थी। उन्हें आधुनिकता के शोर में गुम होना पसंद नहीं था। वो कहती थी कि उनके लिए डांस लेखक जोसेफ कैंबेल की उस भावना से जुड़ा हुआ है जिसमें वो कहा करते थे कि उन्हें अपने आसपास नाटकीय अलंकरणों की जरूरत नहीं है। तकनीकों के जाल को मृणालिनी साराभाई एक तरह की कब्रगाह कहा करती थी। वो 2016 का जनवरी का महीना था जब मृणालिनी साराभाई की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक शायद वो किसी और ही दुनिया के सफ़र पर निकलने का विचार बना चुकी थी। जिस दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया उसके अगले दिन यानी 21 जनवरी 2016 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपने जीवन को भरपूर जीने और नृत्य की दुनिया को बहुत कुछ देने के बाद जिस वक्त वो इस दुनिया से गई, उनके सिरहाने उनकी बेटी मल्लिका साराभाई थी और कमरे में चारों तरफ सैकड़ों शिष्य जिनका मन तो भारी था लेकिन अपने गुरु को सम्मान देने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए वो सब नृत्य कर रहे थे। अब जरा सोचिए, किसी भी गुरु के लिए इससे भावपूर्ण श्रद्धांजलि भला क्या हो सकती है। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रमिला। आज हम आपको देश की जानी मानी नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की कहानी सुनाते हैं। जरा सोचिए, 5 साल की उम्र जब बच्चे खेलने कूदने या फिर शैतानियों में मशगूल रहते हैं, ये वो उम्र थी मृणालिनी साराभाई की जब उन्होंने ना सिर्फ तय कर लिया बल्कि अपनी माँ के सामने ऐलान भी कर दिया कि मैं एक डांसर हूँ। मृणालिनी साराभाई ने कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से अस्तित्व में आई, मुझ में समझदारी कहाँ से आई, किसने मेरा रास्ता तैयार किया, हर दिन एक नया दिन, किसी भी घंटे का कुछ पता नहीं, यही अज्ञात क्षण निश्चित दिनों में बदल जाते हैं। मैंने बाद में महसूस किया कि मैं क्या थी और 5 साल की उम्र में मेरी माँ बताती हैं कि मैंने कहा था मैं एक डांसर हूँ। आने वाले समय में नहीं, बीते समय में ही मैं अभी इस वक्त एक डांसर हूँ। दरअसल यही मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के जीवन का सच भी है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी द वॉइस ऑफ हार्ट में शुरुआत में आपको लिखा मिल जाएगा। और यही वो उनकी सोच थी जिसकी बदौलत ना सिर्फ उन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई बल्कि जिस वक्त दुनिया को अलविदा कहा उस वक्त उनके पास करीब 50-100 नहीं 20,000 ऐसे नाम थे जिन्हें उन्होंने नृत्य की बारीकियां सिखाई थी। मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को केरल में हुआ था। पिता डॉक्टर स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट में बैरिस्टर थे, माँ अम्मू स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी थी। वो बाद में देश की पहली संसद की सदस्य भी बनी। बहन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ थी। मृणालिनी का बचपन स्विट्जरलैंड में बीता, वहाँ उन्होंने डेलक्रोस सीखा। ये संगीत की समझ को पैदा करने का जरिया था। वो वहाँ से जब वापस लौटी तो उन्होंने सीधे शांति निकेतन का रुख किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर से वो इतना प्रभावित थी कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं को अपना असली गुरु माना। ये वो वक्त था जब कोई भी कलाकार केवल एक ही फॉर्म नहीं सीखा करते थे, इसीलिए मृणालिनी साराभाई ने भी नृत्य की अलग अलग शैलियों की बारीकियों को सीखा। उन्होंने अमूबी सिंह से मणिपुरी सीखा, कुंजू कुरूप से कथकली सीखा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और मुथु कुमार पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा। उनके हर एक गुरु का अपनी अपनी कला में जबरदस्त योगदान था। इसी दौरान उन्होंने विश्वविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई पंडित उदय शंकर के साथ भी काम किया। पंडित उदय शंकर को भारतीय कला को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। इसी बीच मृणालिनी साराभाई कुछ दिनों के लिए अमेरिका भी गई थी और वहां जाकर ड्रामेटिक आर्ट्स की बारीकियां सीखी। इसके बाद मृणालिनी साराभाई ने देश दुनिया में भारतीय नृत्य परंपरा का विकास किया। 24 बरस की थी मृणालिनी साराभाई जब विक्रम साराभाई को उन्होंने अपना जीवन साथी चुना। इसके पीछे का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है।
हुआ ये कि बेंगलुरु में उनका रंग प्रवेश था। रंग प्रवेश यानी कोई भी वो विधिवत नृत्य जो किसी भी कलाकार का पहला मंच पे परफॉर्मेंस होता है, और किसी भी कलाकार के लिए उस शहर की भी खासी अहमियत होती है जहाँ उसका रंग प्रवेश हुआ हो। तो मृणालिनी साराभाई के लिए भी बेंगलुरु खास था, और यहीं पर उनकी विक्रम साराभाई से पहली मुलाकात हुई। विक्रम साराभाई देश के जाने माने वैज्ञानिक रहे, उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब विज्ञान में नृत्य, नृत्य में विज्ञान कहाँ से आया ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये वो वक्त था जब दोनों ने तय कर लिया कि उन्हें साथ में जीवन बिताना है। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि शादी के बाद मृणालिनी साराभाई को अहमदाबाद शिफ्ट होना था। दोनों शहरों के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन मृणालिनी अहमदाबाद गई। नए रंग ढंग में खुद को ढालने में इतना ही वक्त लगा कि 6 साल के भीतर भीतर उन्होंने वहाँ दर्पण नाम की संस्था की शुरुआत की। कहने को कल्चर अलग था, भाषा अलग थी, लेकिन मृणालिनी साराभाई की संस्था में तमाम गुजराती लोगों ने नृत्य सीखा। इस दौरान डांस के साथ साथ वो कोरियोग्राफी भी कराती रहीं, कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं, उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा। मृणालिनी साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई भी थिएटर और डांस से ही जुड़ी। मृणालिनी साराभाई की संस्था दर्पण से जुड़ा किस्सा बहुत कम लोगों को पता होगा। दर्पण में उस वक्त अच्छे खासे लोग नृत्य सीखने आते थे, और नृत्य सीखने के बाद जब मंच पे विधिवत नृत्य होता था छात्रों का, उसे आरंगेत्रम कहा जाता था। आरंगेत्रम में हुआ ये कि जो छात्र आर्थिक रूप से संपन्न होते थे, उनके माता पिता इसको एक जलसे की तरह मनाते थे। इससे ये हुआ जो छात्र आर्थिक रूप से कम संपन्न थे उन पे दबाव पड़ने लगा। जब मृणालिनी साराभाई को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने आरंगेत्रम का नाम ही बदल दिया, इसका नाम रख दिया आराधना। और उसके बाद जो साड़ियाँ थी वो संस्थान की ओर से ही दी जाने लगी, बाकायदा कार्ड छपते थे, और इस तरह फिजूल खर्ची पे लगाम भी लग गई और छात्रों पे जो दबाव बन रहा था वो भी रुक गया। मृणालिनी साराभाई ने आराधना को समर्पण और आस्था से जोड़ दिया। 1992 में भारत सरकार ने मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया। मृणालिनी साराभाई खुद को तकनीक से दूर रखती थी, उन्हें आधुनिकता के शोर में गुम होना पसंद नहीं था। वो कहती थी कि उनके लिए डांस लेखक जोसेफ कैंबेल की उस भावना से जुड़ा हुआ है जिसमें वो कहा करते थे कि उन्हें अपने आसपास नाटकीय अलंकरणों की जरूरत नहीं है। तकनीकों के जाल को मृणालिनी साराभाई एक तरह की कब्रगाह कहा करती थी। वो 2016 का जनवरी का महीना था जब मृणालिनी साराभाई की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक शायद वो किसी और ही दुनिया के सफ़र पर निकलने का विचार बना चुकी थी। जिस दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया उसके अगले दिन यानी 21 जनवरी 2016 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपने जीवन को भरपूर जीने और नृत्य की दुनिया को बहुत कुछ देने के बाद जिस वक्त वो इस दुनिया से गई, उनके सिरहाने उनकी बेटी मल्लिका साराभाई थी, और कमरे में चारों तरफ सैकड़ों शिष्य जिनका मन तो भारी था, लेकिन अपने गुरु को सम्मान देने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए वो सब नृत्य कर रहे थे। अब जरा सोचिए किसी भी गुरु के लिए इससे भावपूर्ण श्रद्धांजलि भला क्या हो सकती है। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।